हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आपके लिए रीडिंग करने वाले हूँ आपकी रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है। इस डेक से मैं निकालूंगी आपकी रिलेशनशिप की प्रेजेंट एनर्जी और इससे निकालूंगी मैं आपकी रिलेशनशिप की फ्यूचर की एनर्जी। देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। आपका रिलेशनशिप तो भाई ब्लेस्ड है, एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके रिश्ते पे, आपके फैमिली पे, आपके परिवार पे। यू आर कंप्लीट इन प्रोटेक्शन। क्या रहे रिश्ते में, कोई पर्सन दूर गया था आपसे पास्ट में, उसकी लौट आने की एनर्जी है। अगर आप मैरिड नहीं है तो आप दोनों में फिर से वो प्यार बनते हुए मैं देख रही हूँ। रिलेशनशिप में ना आप दोनों ने काफ़ी बैलेंस बना ली है, काफ़ी बैलेंस आ चुका है आपके रिश्ते में। और क्या है एंजल्स आर्कएंजल माइकल, हो भी है गाइस आपके रिश्ते में। और देखते हैं आप लोगों की रिलेशनशिप की प्रेजेंट की क्या एनर्जी है। उम्मीद है आपको इस रिश्ते से। अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई है और ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, तो ये यहाँ पे ऐसे लोगों का रिकन्सिलेशन होते हुए मुझे दिख रहा है। या तो इन लोगों को ऑलरेडी रिकन्सिलेशन हो चुका है, नहीं तो होने वाला है। अब ये फ्यूचर की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी मुझे प्रेडिक्ट हुई है, बट इस एनर्जी में मुझे लग रहा है कि ये बहुत जल्दी हो जाए शायद। थ्री ऑफ सोर्ड्स बार बार आ रहा, पहले भी आया था। दिल टूटने वाली कोई बात तो है भाई आपके रिश्ते में। अभी भी एक्शन लेंगे अब इस रिश्ते में, एक एक्शन की। ये सेवन ऑफ सोर्ड्स, बर्डन एंड हेरोफेंट। थर्ड पार्टी इशू है करंटली आपके लाइफ में, चीट कर रहे हैं पर्सन आपको। अब यहाँ पे ना, जहाँ पे आप लोगों की ऑलरेडी मैरिड है और आपको कन्फर्मली पता है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, तो गाइस थोड़ा ना आप यहाँ पे थोड़ा सचेत रहिए, अलर्ट रहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है आपका दिल टूटे। चीटिंग हो रही है आपके साथ रिश्ते में, ये रिश्ता आपके लिए बर्डन बनता जा रहा है। ये आप लोगों का एक ट्रेडिशनल मैरिज है, ट्रेडिशनल मैरिज नहीं है, आप लोगों की शादी नहीं हुई है और जो लोग आपको छोड़ के गए थे उनकी कंसिलेशन की एनर्जी, एंजल ब्लेस कर रहे, सब कुछ है। बट उस सिनेरियो में क्या लगता है, जो मैरिड नहीं है, हो सकता है आपका फिर से दिल टूटे इस पर्सन के, क्योंकि ये पर्सन आ तो रहा है बट इस पर्सन के आने की जो एनर्जी है उसमें कुछ गड़बड़ है। कुछ तो धोखा अभी भी है, क्योंकि थर्ड पार्टी अभी भी उसके लाइफ से गई नहीं है। या तो आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी, उसकी वजह से आपके पर्सन का दिल टूटा है, इसीलिए आपके पर्सन आपसे रिकन्सिलेशन करेंगे और ये बात आपको बाद में समझ में आ जाए और इसीलिए आपका दिल टूटे और इसीलिए आपको ऐसा लगे कि आपके साथ कुछ तो धोखा हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे एंजल्स क्लेरिफाई करें एनर्जी को, जजमेंट की एनर्जी क्यों है। आर्कएंजल माइकल प्लीज क्लेरिफाई करें, ये जजमेंट की एनर्जी क्यों है। जब जहां जैसा टाइम मिलता है गाइस बैठ जाती हूं मैं, क्या करें अब। कुछ कंपटीशन थे आपके रिश्ते में, आर्गुमेंट्स थे, कंपटीशन सेवन ऑफ मतलब ऑप्शन की तौर पे कोई कंपटीशन थी शायद, और वहीं से आपने काफ़ी पेशेंटली काम लिया है इस रिश्ते में और इसका फल आपको मिलता हुआ भी दिख रहा है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट कुछ आर्गुमेंट अभी भी चल रही है। यहाँ पे आगे देखिए कितना परफेक्ट, यही मैंने बोला था ना, टू ऑफ कप को देखे अगे सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जो कोई पास का पर्सन है उससे रिकन्सिलेशन, यहाँ पे ही देखिए
कोई पास का पर्सन है जिसके साथ आपका रिकंसिलेशन तो हो जाएगा। थ्री ऑफ कप एंड सिक्स ऑफ सोर्स, ये आपके हो सकते हैं मैक्सिमम आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर हाई वाइब्रेशनल सोलमेट है जो आपको छोड़ के गए थे, तो उनसे आपका रिकंसिलेशन तो हुआ है। या फिर ये हो सकता है कि कोई फॉरेन कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है, या फिर आपके कोई पर्सन फॉरेन में गए थे तो शायद हो सके उनसे आपका हाल ही में मिलना हुआ है या फिर मिलना हो जाएगा। सिक्स ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे हर्मिट, आपको अकेला छोड़ के आइसोलेशन में डाल के कोई पर्सन आपसे छोड़ के तो गया था, उसको आपको लेके कुछ तो अवीकनिंग जैसा हुआ है, कुछ तो उसको समझ में आ चुका है आपके पर्सन को आपको लेके, और पॉजिटिव एनर्जी से लग रहा है और ये पर्सन उसे एनर्जी से वापस आपके पास आती हुई मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे देखती हूँ कि टेम्परेंस का एनर्जी क्यों है। एक्शन में आ गया है आपका रिलेशनशिप, आपके पर्सन ने ना इस रिलेशनशिप में काम करना शुरू कर दिया है, वर्क आपकी ओर से भी लग रहा है मुझे, आप भी अपने ओर से एफर्ट लगा रहे इस रिलेशनशिप को बैलेंस बनाने की आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्टार की एनर्जी क्यों है एंजल्स, यहाँ पे क्लेरिफाई करें स्टार की एनर्जी। बड़ी उम्मीद के साथ, आशाओं के साथ, बड़े प्यार के साथ आपने फिर से इस रिश्ते को एक चांस दिया है और आपको उम्मीद है अब ये रिश्ता फिर से खराब न हो, फिर से उसी दौर पर नहीं जाए जहां से आप अभी भी आ चुके हैं। थ्री ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे वर्ल्ड, तो देखिए दिल टूटने वाली बात अभी भी रिश्ते में है, तो ये कुछ कर्मा है इस लाइफ का, पास्ट लाइफ का, कुछ तो कार्मिक इश्यू है, निगेटिव कर्मा आप दोनों का है जिसके चलते ही थर्ड पार्टी इशू सारी चीजें आ रही है। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को काफी सेक्सुअल एडिक्शन है और ये चीजें दिल टूटने वाली चीजें, थर्ड पार्टी वर्ल्ड ही दिल तोड़ देता है, तो ये चीजें अभी भी आपके रिश्ते में शायद कहीं ना कहीं मौजूद है। आपको थोड़ा यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा कि क्या है, ये कार्मिक है आपके पर्सन, यहाँ पे इस यहाँ पे एनर्जी आती है सोलमेट की, कार्मिक सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे कार्मिक की, तो ये कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं। मतलब क्या कि ये आपके सोलमेट ही है बट आपका कुछ कर्मा उनसे जुड़ा हुआ है, जब तक वो कर्मा क्लींज नहीं होता तब तक ये कार्मिक सोलमेट की एनर्जी सोलमेट में कन्वर्ट नहीं होते, और कुछ कर्मा है जिसके चलते ही ये सारी चीज़ें अभी भी आपकी चल रही है, बट ये साइकिल लगभग अब एंड होने को ही है। ये दिल टूटना, ये बार बार धोखा देना, ये साइकिल ना अब ख़त्म होने को ही है, तो आप समझ लें आगे फ्यूचर की एनर्जी में और प्रेडिक्ट हो जाएगा। किंग ऑफ फैंस की एनर्जी, किंग ऑफ फैंस की एनर्जी भी बहुत आ रही है गाइज, यहाँ पे भी किंग ऑफ फैंस आए हैं, यहाँ पे भी किंग ऑफ फैंस है, और उसको क्लेरिफाई कौन कर रहा है, किंग ऑफ पेंटेकल्स। तो एक्शन है अभी इस रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी है, पैशन है। आपके पर्सन ना कुछ आर्मी में, पुलिस फोर्स, आर्मी, ऐसे ऑथोरिटी पोजिशन पर काम कर रहे हैं आपके पर्सन, फाइनेंशियल है, CA है, ऐसे एनर्जी में काम कर रहे हैं, और आपके रिश्ते में अगर मैं बोलूं तो करंटली स्टेबिलिटी आई है गाइस, प्रॉपर जो एक्शन लेना ज़रूरी था वो एक्शन आपके रिलेशनशिप में हो चुका है। बट यहाँ पे आगे सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है फिर दीदी आप बोलते हैं, तो यस जगलिंग की एनर्जी, थ्री ऑफ सोर्स को ही जगल कर रहे ये पर्सन थर्ड पार्टी को और आपको। मैंने बोला कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं मौजूद है आपके रिलेशनशिप में अभी भी, और यही एक अपने आप में एक धोखा हो जाता है, यही दिल टूटने वाली बात हो जाती है। बट देखिए टेन ऑफ फैंस को क्लेरिफाई कौन कर रहा है, डेथ। तो मैंने बोला नहीं, यही पे बोला कि ये ख़त्म हो जाएगा, ये साइकिल परमानेंटली एंड हो जाएगा, कुछ तो आपके रिश्ते में परमानेंटली एंड होने वाला है, आप चिंता नहीं करना है। जो सिचुएशन आपको इतना बर्डन दे रही है, स्ट्रेस दे रही है, ये चीज़ें आपको एंजाइटी में डाल रही है, तो उनका परमानेंटली एंड होता हुआ दिख रहा है आपके रिश्ते से, वो सारी चीज़ें जाती हुई मुझे दिख रही है। हेरोफेंट को कौन क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, देखिए लवर, अगेन टू आप कब भी आए, लवर भी आए, ये पर्सन आपके डेफिनेटली ट्विन फ्लेम है गाइस, कुछ कर्मा है, निगेटिव कर्मा, जैसे वो ख़त्म होते हैं ये साइकिल एंड होता है। काफ़ी लोगों को ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट मिल गई है या फिर मिलने वाली है, जो लव रिलेशनशिप में, उनका रिलेशनशिप मैरिड में कन्वर्ट होने को है,
बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटेकल्स है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटेकल्स है। तो देखिए रिलेशनशिप में तो वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, सम्मान है, स्टेबिलिटी है, प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है, ठहराव है इस रिश्ते में। किंग ऑफ क्वीन दोनों कपल एनर्जी आई है गाइस। आप दोनों मैक्सिमम लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे मैरिड कपल देख रहे हैं, उनके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इशू था जिसके चलते आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे, कंपटीशन थी इस रिश्ते में, वो ख़त्म होने को आ गई क्योंकि काफ़ी हद तक आपके पर्सन का यहाँ पे अवेकनिंग जिससे एनर्जी हो चुकी है, आपके पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है आपसे उनका रिश्ता काफ़ी जन्मों से चलता आ रहा है। कितना भी छूटे, कितना भी दूर जाए, कितना भी तोड़े बटे, रिश्ता ख़त्म नहीं होता है, ये चीज़ खुद आपके पर्सन ने महसूस की है। अब वो इस रिश्ते को समझ चुके हैं, आपके रिश्ते से ये बर्डन, ये चीटिंग, ये धोखे वाली बात लगभग ख़त्म होने को है, ये साइकिल ख़त्म हो जाएगा और आपके रिश्ते में वो अनकंडीशनल प्यार फिर से आ जाएगा, या फिर काफ़ी लोगों के लाइफ में ये चीज़ें आ चुकी है। यह है करंट एनर्जी आपके रिश्ते की। अब मैं देखूंगी फ्यूचर की एनर्जी क्या है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, इसको जनरल रीडिंग के तौर पर ही आपको लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन आपको रीडिंग के आधार पर नहीं लेना है। यहाँ पे काफी सारे लोगों की एनर्जी कलेक्टिव रहती है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप अपना पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं जहाँ पे आपको एक जो आप चाहते हैं अपने लिए ही रीडिंग, तो आप आपको वहाँ पे आप ही के लिए कंसल्टेशन गाइडेंस मिल जाएगा। बट ये जनरल रीडिंग है, आप जस्ट एक गाइडेंस के तौर पर ही इसको ले। मिलती जुलती सिचुएशन है, मिलती जुलती कंडीशन लाइफ में है, तो आपको ये गाइडेंस फॉलो करने के लिए कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है फ्यूचर आप दोनों के रिश्ते में? भाई फ्यूचर में तो बड़ी एक्शनेट एनर्जी, अगेन किंग ऑफ पैंट्स, एक परमानेंट एक्शन है आपके रिश्ते में आया है। फूल, क्वीन ऑफ पैंट्स, कपल बहुत आ रहे, जाइए आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए इस रिश्ते में, कोई दिक्कत नहीं है जी, कॉन्फिडेंटली जा रहे हैं। आपका आप में वो कॉन्फिडेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन कंप्लीट एक्शन लेंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, और सक्सेसफुली ये रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे। उनको पता है कि अब सब कुछ हो जाएगा अच्छा, इस एनर्जी से ही आपके पर्सन जा रहे हैं। आप में भी काफ़ी हद तक अब कॉन्फिडेंस आ चुका है इस रिश्ते को लेके। आजकल अपने आप ऊपर बहुत ध्यान दे रहे, बहुत ब्यूटीफुल आप हो गए हो, अट्रैक्टिव हो गए हो, काफ़ी लोगों ने अपना काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जैसे कि अपने रहने सहने का ढंग बदल लिया है आपका, अच्छा हेयर स्टाइल किया है। कोई ब्लैक मैजिक की एनर्जी है भाई आपकी? जब भी मैं आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी निकालती हूँ तो ये डेविल की एनर्जी आती है, कोई तो ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके रिश्ते में, आगे भी करेगा। क्लेरिफाई करेंगे गाइस, डोंट वरी। नाइन ऑफ कप, विश फुलफिलमेंट आपकी होती हुई दिख रही है, कोई गुड न्यूज मिलते हुए मुझे दिख रही है आपको। रिलेशनशिप तो बड़ा अच्छा जा रहा है अब तक तो। प्रपोज करेंगे आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो, मैरिज कमिटमेंट तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को आती हुई दिख रही है, और ऑलरेडी मैरिड है तो उसमें काफ़ी सुधार आता हुआ दिख रहा है। अगेन गाइस, सेवन ऑफ सोर्स, ये एनर्जी बार बार क्यों आती है? टेम्परेंस एंड सेवन ऑफ सोर्स, चीटिंग भी है रिश्ते में आगे भी, ये पर्सन थर्ड पार्टी आगे भी खेलेंगे। क्या है आपके रिश्ते का फ्यूचर? फ्यूचर की एनर्जी क्या है? फ्यूचर की एनर्जी क्या है एंजल्स? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, धोखा, गिल्ट, सुधरेंगे नहीं गाइस। है भाई, थर्ड पार्टी तो है इनकी लाइफ में, आगे भी है, कि करना पड़ेगा आपको कुछ तो।
क्या फायदा ना, सब कुछ करने के बाद एक बार अपोलॉजी मांग लेते हैं फिर से वही जमे। इसीलिए तो मैंने बोला था, किसी ने हंसा था गोबर वाली कमेंट को। तो क्या है ना, गोबर ही खाते हैं। देखिए आपको भी लेके चल रहे, उनको भी लेके चल रहे, यहाँ पे वही चीज़ है। क्लेरिफाई करने पे तो और क्लियर हो जाएगा। एंजल्स प्लीज बताना किंग ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है। फाइव ऑफ सोर्स, एरोगेटिव होंगी ये पर्सन, आगे झगड़े होंगे आप दोनों के रिश्ते में। झगड़े आते हुए दिख रहे, छोटे मोटे रहेंगे बट ये रहेंगे झगड़े। सेवन ऑफ फैंस, देखिए ये पर्सन है ना, आपको भी बैलेंस बनाएंगे, थर्ड पार्टी को सेवन सेवन की नजर आइए, तो खुद को इस तरह से प्रोटेक्ट बनता हुआ बन करते हुए जाएंगे ना, कि इन पे चीज़ें आ नहीं पाए। बट चीटिंग तो ये करेंगे आपसे, आगे भी करेंगे, करंटली भी कर रहे हैं। क्वीन ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल्स? क्वीन ऑफ फैंस मेरे आर्ग्यूमेंट होते हुए दिख रहे हैं। किंग भी बांट, किंग भी बोलते ना झगड़ा करेगा, और क्वीन से भी आर्ग्यूमेंट हो गए, क्वीन भी चुपने बैठने वाली। दोनों में तो आर्ग्यूमेंट होंगे, कहीं कहीं हार्शली आर्ग्यूमेंट होंगे, ऐसा भी रहेगा। कॉम्पिटिशन है रिश्ते में, क्योंकि डेविल को क्लेरिफाई कर रहा है टावर। ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें तो है भाई आपके रिश्ते में, ये ब्लैक मैजिक ही आपके रिश्ते में टावर मोमेंट लाएगा। ये भी एनर्जी हो सकती है कि ब्लैक मैजिक की एनर्जी खत्म हो जाएगी आगे चलकर, ये भी हो सकता है। बट अगेन सेवन ऑफ सोर्स एंड नाइन ऑफ सोर्स आए, इसीलिए मैंने बोला कि आपके रिश्ते में ये चीज़ें हो सकती है। एक कार्ड और ले लेते हैं। यूनिवर्स अच्छे से मुझे बताइए टावर एंड डेविल को क्लेरिफाई कीजिए। सीक्रेट्स, कुछ तो मैंने बोला ना गाइस, छिपा जा रहा है, कुछ सीक्रेट्स से सामने आएंगे। थर्ड पार्टी छोड़ेंगी नहीं गाइस, ये तो कुछ ना कुछ करेंगी, डेफिनेटली करेंगी। नाइन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? आगे भी आपसे काफी सारी चीजें छुपाई जाएंगे, थोड़ा मैं इसीलिए बोल रही हूँ आपको अलर्ट रहिए। बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखना है ये फूल की एनर्जी में। अब आपको कभी भी नहीं रहना है, आपको प्रोटेक्ट करना है खुद को। ये कैसे बैलेंस बना के चलते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, तो आपको भी बैलेंस बनाना है। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसना नहीं है, धोखा देना इस पर्सन की फितरत है, जो वो हमेशा से ही बिना चूके करते रहेंगे। नाइन ऑफ कफ, विल ऑफ फॉर्चून, देखिए डेस्टिनी ने आपको जो एक विश फुलफिलमेंट वाली लाइफ दी है वो तो आप जिएंगे। अब ये पर्सन धोखा देते हैं, चीट करते हैं, तो इसका भुगतान वो खुद करेंगे। बट अगर आप खुशियाँ डिजर्व करती है, आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं, आप वो प्रेशियस लाइफ डिजर्व करते हैं, तो डेस्टिनी आपको वो देंगी। किसी एक के धोखे के चलते कारण ना आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, जिसका उसका कर्मा जो तो भुगते, छोड़ो यार जाने दो, क्या ही टेंशन लेना। नाइन ऑफ फैंस को क्लेरिफाई करना है यहाँ पे, नाइन ऑफ पेंटेकल्स जी, आप तो अपने सेल्फ लॉ में आते हुए दिख रहे हैं आगे। यस, आपने भी खुद पे काफ़ी काम किया है, अब आप अपने सेल्फ लॉ में आए हैं, कोई प्रपोज आपको कर सकता है आगे चलकर। नाइन ऑफ कप एंड नाइन ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी वर्क से रिलेटेड भी आपको काफ़ी अबंडेंस आती हुई मुझे दिख रही, एक सक्सेस आता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी को अच्छी जॉब मिल जाए, किसी को मनी अबंडेंस मिल जाए, किसी को प्यार मिल जाए, बट आता हुआ दिख रहा है। सेवन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें एंजल्स। सेवन ऑफ सोर्स को देखिए कौन क्लेरिफाई कर रहा है, नाइन ऑफ सोर्स। ये चीटिंग ना आप को स्लीपलेस नाइट देंगी गाइस, पेनफुल नाइट देंगी आपको, जैसे कि रात जिससे आपकी दुश्मन है, ऐसा आगे भी रहेगा। और क्लेरिफाई करें एंजल्स सेवन ऑफ सोर्स को, और एक कार्ड लूंगी मैं। सेवन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें एंजल्स। नाइट ऑफ सोर्स, लॉजिकल बनिए, प्रैक्टिकल बनिए आप। ये चीटिंग से जो धोखा आपके सामने आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे भी मून है,
तो ये जो एनर्जी है गंदी वाली हेवी वाली, ये आपका तोड़ तोड़ के तो रखेंगे आगे, बट यहाँ पे बोला जा रहा है जी अपने पावर में आई है सबसे निपटने के लिए रेडी रहिए, लॉजिकल रहिए, प्रैक्टिकल रहिए, इमोशंस निकाल दीजिए। इमोशंस लोगों को ओवरफ्लो करती है, तो इस चीज़ को समझ में रहते हुए बिल्कुल भी इमोशंस नहीं रहना है, खुद पे ध्यान देना है, खुद पे प्यार करना है। अगर कोई कनेक्शन आता है लाइफ में, यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी भी देख के लगता है, तो सोच सकते हैं आप अगर मैरिड नहीं है तो इस रिश्ते से आप निकल जाएंगे, क्योंकि ये साइकिल अगर ख़त्म ही नहीं होगा तो ऐसे रिश्ते में रहने से अच्छा है कि थोड़ा और पेन होगा बट यहाँ से निकल जाइए, बट एक लाइफ की अच्छी सी शुरुआत कर लीजिए इफ़ इट्स पॉसिबल टू यू। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनकी मैरिज नहीं हुई है। टेम्परेंस फोर ऑफ पेंटेकल्स, कुछ मनी मनी वाला गेम होगा, हो सकता है आपके पर्सन मनी माइंडेड है, पैसे के लिए बहुत सोचते हैं, आपसे एक अच्छा खासा इनकम आता है तो इसीलिए ये पर्सन आपको रखे है लाइफ में। ऐसा है फिर पॉजिटिव तो होंगे ये आगे भी आपको लेके, मनी माइंडेड भी है, पैसे के लिए भी बहुत सोचते हैं। देखिए दर्द कौन दे रहा है, आपका प्यार दे रहा है आपको दर्द, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन पेनफुल नाइट आपको कौन दे रहा है, ये आपका प्यार दे रहा है। इनमें ज़्यादा बहिए मत, बहेंगे तो यही होगा, निकल जाइए धीरे धीरे करके, एक दिन में तो नहीं होगा ये, बट धीरे धीरे करके एनर्जी उनसे निकाल के कहीं और इन्वेस्ट कीजिए। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताना। वर्ल्ड जी भी तो आपकी तो कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है गाइस, फॉरेन से कोई गुड न्यूज़ आपको मिल जाएगी, या फिर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं जो आप दिल में आपने तमन्ना की थी कि आपको पूरी दुनिया घूमनी है, तो ये होता हुआ मुझे दिख रहा है आपके रिश्ते में। देखिए ये तो इनसे तो आपको मिलेंगी चीटिंग, बट अगर आपके लिए बोलूँ तो ये इतना होने के बाद भी अगर कोई विश फुलफिलमेंट आपकी कंप्लीट हो रही है तो आपको समझना चाहिए गाइज कि यूनिवर्स आपको फेवर कर रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ पे भी ये भी देख के मुझे लगा कि एंजल्स अपने ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा रखेंगे, आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन पे। धोखे का जवाब हमेशा धोखा ही होता है, जिसने आपके साथ जो किया है उसको सुध संवेद यूनिवर्स वो उनको दे देंगे, तो ये चीज़ें उन पे छोड़ दीजिए, अपने ऊपर ध्यान लगाइए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने काम पे ऊपर फोकस कीजिए। कोई नया लव लाइफ में आता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने लाइफ एक स्वर्ग जैसे खूबसूरत बनाइए, इस नर्क से निकल के अपनी लाइफ अच्छी बनाइए इफ़ इट पॉसिबल टू यू। बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटेकल्स, तो यस आपकी किसी से साझेदारी बनती हुई मुझे दिख रही है, ये वर्क के लिए रिलेटेड भी है, ये रिलेशनशिप के लिए भी है, तो कोई आपको ऐसा मिल सकता है जो अब आपके लिए एफर्ट डालेगा, आपको वैल्यू देगा, रिस्पेक्ट देगा, वो सम्मान देगा, आपको अप्रिशिएट करेगा, आपके लाइफ में वो सब कुछ देगा जो चीज़ आपने सोची थी, जो प्यार आपने सोचा था, जो रिश्ता आपने सोचा था, डेस्टिनी वो आपको 101% वो देगी 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 मतलब देगी, बट आप प्रिपेयर रहिए। यही कल की एनर्जी में आया था कि आप रिसेप्टिविटी में आने के लिए आपको क्या करना है, अपने ऊपर जो भी जंजीरें डाली है सोसाइटी ने, समाज ने, रिश्ते ने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने, ड्यूटीज़ ने, तो मैं बोल नहीं रही सबको छोड़ दीजिए जी, वो कीजिए, बट अपने ऊपर भी फोकस कीजिए, उन जंजीरों से जो जकड़े हैं उनसे निकल जाइए और अपने ऊपर फोकस कीजिए, देखिए लाइफ कितनी ब्यूटीफुल बनती है। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं देखते हैं। एंजल्स आप प्लीज़ जो दर्शक देख रहे हैं, रिकवरी होगी अगर आपके हेल्थ इश्यू है, क्योंकि नाइन ऑफ सोर्स दो बार आया था तो मुझे लगा
काफ़ी सारे हेल्थ इश्यू आपके आज भी है और आगे भी रहेंगे, जो नींद से रिलेटेड है, स्ट्रेस डिप्रेशन से रिलेटेड है। बट यहाँ पे एंजल बता रहे हैं कि इसमें रिकवरी हो जाएगी, आप अच्छे हो जाएंगे इन द नियर फ्यूचर। ध्यान देना है, रिश्ते में भी रिकवरी हो जाएंगी, बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में तो आने ही आने हैं गाइस। सोचिए, आपको, आप अगर ऐसे पर्सन को इतनी वैल्यू देते, रिस्पेक्ट देते, जो आपको सिवाय धोखे के, सिवाय मैनिपुलेशन के कुछ नहीं करता है, तो ये गलती फिर आपकी हो गई। हमें लोगों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको नहीं इनको इतना वैल्यू देनी चाहिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए ना आप। फिर देखिए लाइफ आपको कितनी अच्छी लगेगी। जैसे आपने, आप इनसे एनर्जी अपने निकाल लेंगे ना, फिर देखिए यूनिवर्स इनका क्या हाल करती है। बट आप इनमें स्टक रहते हैं, आप इनके लिए ऐसा इतना एनर्जी देते रहते हो, तो यूनिवर्स भी क्या कर सकती है। फिर आप खुद ही डिले कर देते हैं, आप खुद ही ब्लॉकेजेस ला देते हैं। तो निकालिए इनसे, मैं हमेशा बोलती हूँ, इनसे फोकस निकाल के कहीं और इन्वेस्ट कीजिए। आस्क योर एंजल्स, एंजल्स भी बोल रहे हैं, मैंने एक ही बोला था, एंजल्स ने इतना दिया है। देखिए अगर रिश्ता सच में बहुत टॉक्सिक है, आप नहीं रह सकते, तो उसको आप लेट गो कर सकते हैं। तो एंजल्स बोल रहे हैं आपको, बट बहुत ज़्यादा आपके, अब क्या लाइफ का सीनियर मुझे नहीं पता गाइस, आप अपने हिसाब से ले लेना। यहाँ पे सिंगल भी देख रहे हैं, मैरिड लोग भी देख रहे हैं, कपल भी देख रहे, कोई और रिश्ता है जिनका, जो मैरिड के अलावा है, वो लोग भी देख रहे हैं। तो उनके लिए, हर एक के लिए अलग गाइडेंस से अलग अलग जाती है, तो उनके हिसाब से वो ले लेते हैं। आप भी समझ लेना कि क्या है, कहाँ से निकलना है, क्या पॉसिबल है आपके लिए। पॉसिबल है तो निकल जाइए टॉक्सिक रिलेशनशिप, अगर नहीं पॉसिबल है तो जी यहाँ पे बोला जाए पॉजिटिव रहिए, और इन द नियर फ्यूचर रिकवरी होगी, रिश्ते में, हेल्थ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बॉटम ऑफ द डे यहाँ पे नो आया है गाइस, तो अगर कोई सोचने की सोच रहा है रिश्ते को, तो एंजल यहाँ पे फिलहाल तो नहीं बोल रहे, पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी चेंजेस लाइफ में आएंगे, वेट कीजिए। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग, कैसी लगी डेफिनेटली बताना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिस तरह से प्यार देता है आगे भी देना है, और जैसे जैसे गाइडेंस मुझे आता जाएगा आपके लिए, कौन से टॉपिक में मुझे रीडिंग लानी है, मैं लाती जाऊँगी और आपको गाइडेंस देती जाऊंगी। अगेन मैं बोलूंगी जनरल रीडिंग है, गाइडेंस के तौर पर ही लेना है। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू ऑल।